बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म कुन वलीयकल हुज्जत इब्न الحسن अलैहि सलाम सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि अस्साअत व फी कुल्लि साअत मिन सादरिल नहार व लियम्मा हाफ़िज़ा क़ायदा व मुनस्सिरा दलीलम बायना हत्ता तुस्कनहु अर्ज़ा तवान व तमत्तया फी हत्ता दिला या रब मोहम्मद صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد سونی سونی صلوات پڑھو صلی مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو اے تسبیح موتی بکھرے عمر دے چنگے نہیں لگدے इतने आज सारे दाकर तुम्हें एक गल आखनी मेहरबानी फरमाओ बहना तुम फिर भी आके तो गुलदस्ता बन जाएगा चलो बिस्मिल्लाह कर सलवात बुलंद आवाज काबा में जो उतरी है एक जाते हमीदा बंदे वो भी ने जेड़े साडे रंगे अगर जामा पावन तो साड़ी अम्मा भी 40 दिन दिया नमाज़ा माफ हो जाए इवें जी थोड़ा थोड़ा बोलना है वो बंदे आखते ने कि जेड़िया साड़िया मावों नमाज़ा माफ असी वो जगह पलीत कर दी दाई छुड़ी सब कुछ जानते वो भी आखते ने ज्वेली साडे जे पहले अपनी औकात वेख काबा में जो उतरी है एक जाते हमीदा हर सिफत खुदा जिसकी अदाओं से मिली है 18 रजब की हो रात या 13 रजब की तौहीद के पर्दे से मिलता ही अली है सीधी तरह बोग्ज नहीं जहर करते मुनाफ़िक़त जहर करते अगली बात सुनो जिसका वजूद बना था इलाही सिफात से एक बंदे मुर्शद सवाल किया मौला अली बादशाह ते उन्होंने कहा सरकार तुसा फरमाया तुसा भी खालक अल्लाह भी खालक तुहाडे और अल्लाह विच फर्क की है मौला अली बादशाह ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं वो हम जैसों का खालक है हम तुम जैसों के खालक या बाबा जी थोड़ी जात की कसम है बंदा होर परेशान हो गया मौला फरमाया परेशानी ना बधा इस बात में शक नहीं कभी वो हम हो जाता है हम वो हो जाते हैं लेकिन वो रहता है हम रहते हैं बिस्मिल्लाह करना दी जिसका वजूद बना था इलाही सिफात से वादत कदा सारा उसी के असर में आ गया तो ने जिसको नमाज में आने नहीं दिया रे वो तो नमाज वाले के घर में आ गया यार बिस्मिल्लाह करन भाई तुहानू जाकर साहब तुहानू सारे नू गवाह बना के बाबा जी ये मौलवी सारा साल अपने कान पक जाते भाई तुसी हाथ बन के छड़ के को पढ़ दो किथे लिखे है मातम कितने लिखे है घोड़ा कितने लिखे है इवें कर देना मैं तुहानू रूब रूब बना के ते उन्हां नाल चंद सिक्के चंद सवाल करने ने कसीदे की शक्ल में ये बातें थोड़ी जी जेन रखने ने जेड़ी चंगी बात हो मौला दा फरमान है कि वह मान लेनी चाहिए तो ये शेर सुनना है तो फिर तुहानू रुदा फामना है बहुत ही प्यारा कसीदा है तो कोशिश मैं की भी मैं तुम्हें पका के सुनाव सलवात बुलंद आवाज में मौलवी तू बंदे आनू क्यों नहीं दसाया साढ़े तो सवाल कर देना मौलवी तू बंदे आनू क्यों नहीं दसाया ए आदम नु हवा नल अली ने मिलाया ए मैं बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा
बाबा जी असल बात अगली लाइन में है, आदम नु हवा नाल अली ने मिलाया है, आदम नु हवा नाल अली ने मिलाया है, यार बारा तेरा दा तू एवें रोला पाया है, यार बारा तेरा दा तू एवें रोला पाया है, साडा अली काबे विच तेरा कौन आया है, बिस्मिल्लाह करां जी, इन्हां दी बराबरी ना कर, इन्हां दे बूहे ते मन फिर जन्नत आगदा। बाबा जी शेर दा तवज्जो लै, सलवात बुलंद वाल, तारीखी शेर बाबा जी, मैं तो नहीं लिखिया लेकिन मैनू प्यारा लग्या तो मैं कोशिश की सुनावां तुहानू। गल है तारीखां विच तैनू मैं विखाईए, पढ़ के भी मुल्ला तैनू शर्म नाईए, गल सुनी केड़ी, जेड़ी जात सकी धी ने प्यो नहीं बिठाया है, मैं बिस्मिल्लाह करां जी, यार जेड़े पहुंचे बाबा जी तुहाडे अज़मत नूं सलाम है, बिस्मिल्लाह करां जी, सलवात बाबा दे बुलंद पढ़ लो। मौला दे अज़ीम मदा दो जाकर बाबा जी तशरीफ लाया है ते मैं मुढ़ो शेर इन्हां नूं सुनावना जी, जेड़े पहुंचे हो तुहाडी अज़मत नूं सलाम है। ये कमर भट्टी हसनैन भाई लोग ताने मारदे ने सानू जो मातम कित्थे लिखे, मैं उन्होंने सवालों की शक्ल च पुछदा पिया, जो एक बीबी आई ना तो उस आख्या भी बाबे नूं इस बिस्तर ते तू नहीं बह सकदा, ये मासूम दा बिस्तर है, तवज्जो रखनी। गल तारीखां विच तैनू मैं विखाईए, पढ़ के भी मुल्ला तैनू समझ लाईए, जेड़ी जात सकी धी ने प्यो नहीं बिठाया है, जेड़ी जात सकी धी ने प्यो नहीं बिठाया है, मेरे नबी अली उस जाते सिवाया है, बिस्मिल्लाह करां। बाबा जी दो मोहसन इस्लाम ने जिन्हें इस्लाम ने मदद की थी, बाकी सारे कमी कारे इन्होंने टुकड़िया ते पलदे रहे ने, भई शेर ते तवज्जो फरमानी, सलवात बुलंद आवाज नाल पढ़ो। बिस्मिल्लाह करां। तेग जिस वेले मेरे पीर चलाईए, तेग जिस वेले मेरे पीर चलाईए, जंग उस वेले विच आयतां दे आईए, बिस्मिल्लाह करां जी तवज्जो फरमावणी, जंग उस वेले विच आयतां दे आईए, होश किस बंदे दा मरहब ने उड़ाया है, केड़े केड़े बंदे बीवी अम्मा बीवी नू बुलाया है, बिस्मिल्लाह करो जी, सलवात बुलंद आवाज नाल पढ़ो। चौखा टाइम नहीं पड़ता परेशान हो, मैं आपके टाइम में मुकम्मल करांगा, सलवात बुलंद आवाज नाल पढ़ो। बाबा जी एक आरामजादे आख्या जो 10 मुहर्रम अली बादशाह दे पुत्र दा वजू कोई ना, मैं फजीलत शेर पढ़ना बाबा जी इंशाल्लाह लुत्फ हस, उस आख्या मौला हुसैन बादशाह दा वजू कोई नहीं, ते अपने जिहड़े फिर बंदे ने जिहड़ा शिया नालों सियाणा होवे उहनूं वी अल्लाह ही पुछेगा, हाँ जी उहना बाबा जी उहनूं जवाब दित्ता है, तुसीं सलवात पढ़ो ते मैं तुहानूं कसीदा सुणावां।
अली के लहू को इबादत की खातिर ओ जाहिल वजू की जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह करें तो जब फरमानी मोहम्मद के सीने पे जो खेलता है तेरे दिल में उसकी मोहब्बत नहीं है। अगली बात दा तर्जमा जी असी जिथे आइए होर जा बनती जिथे आवन उथे काबा बन दे छे तवज्जो फरमावी मुसल्ले पे नाज़िल जो शाबान में है वजू क्या करे जो कुरान में है। मैं बिस्मिल्लाह करा यार बिस्मिल्लाह तो आनो लुत्फ आ रहा जी मुसल्ले पे नाज़िल जो शाबान में है वजू क्या करे जो कुरान में है। मैं शबीर से हूँ शबीर मुझसे बताए हदीसे रिसालत नहीं। बिस्मिल्लाह करां फिर उधर भी चल सलवात बुलंद आवाज़ नाल पढ़ अगला शेर सुनावां जी। मैं परेशान नहीं हाँ क्योंकि मैनू पता है मेरा किन्ना टाइम है ते मोत्र मेरे पीछे बैठे ने हुण वेखण शेर ही थले छट ले सलवात बुलंद आवाज़ नाल पढ़ो अगला शेर बाबा जी कायनात की कीमत का शेर है। मैं कदे दावा नहीं किया जो मेरा लिखा है मैं मुसाइबी जाकर हाँ लेकिन ये मैं कोशिश कर रहा जिते फिर माहौल हो आपके पेड़ फल फड़ा के कुछ चीज़ा सुना देव तो ये बड़ी मालक मालक की करम नवाजी है जी। ये साढ़े मुर्शद भी बैठे ने पीर की दुआ का सदका अम्मा मासूमा की दुआ का सदका साडे पिंड किसी जाकर ने आखा थी भी साढ़े को टाइम कौन नहीं उन्हें आखा तुम काम करो अल्लाह सब सारी धरती च याद कर दे ते बाबा जी फखर वाली गल नहीं मैं जो इस दुनिया ते आया तो पहला चोला भी मैंने पीर पवाया जी हाँ तो मैं जो इतों मैं मैंने तो जाकरी का वल नहीं बाबा जी आता सी मैं जो मजलिस पढ़ के गया ना तो मैं घर जाके आखा रोटी उन्हें आख्या नहीं तेरी रोटी अज पीर करती है असी बाबा जी जो कुछ भी करने चाचा भतीजा होर भी साढ़े दो चार दोस्त सबाब अल्लाह ने मेहरबानी की है ये कोई बंदा असं ये नहीं आखते भी असी वे जाकर लेकिन साढ़े तो भी मालिका ने तरस किया है। हाँ जी सलवात बोलन दा वादा करो वजूस सखी का तू तोल रहा है जो सर को कटा कर भी बोल रहा है। बिस्मिल्लाह करां जी ये काम अल्लाह ले कर देना ना तो आखना इन्हों का वजू कोई ना वजूस सखी का तू तोल रहा है जो सर को कटा कर भी बोल रहा है। तू हज भी पड़ेगा बोझे अली में है काबे के चक्कर इबादत नहीं है। बिस्मिल्लाह करें एक शेर मौला हुसैन की अजमत का हुक्म है बुजुर्ग ते थोड़ा जा जिक्र साहब तशरीफ रखो जी सलवात बुलंद बाबा जी मालकां ताकत दिती होवे ना ते वो आखदे ने माज रेंगदी है किले दे सिर
ते सानू तो मालकां ने पीर ऐसे दिते ने। अगली सुनो जी, गल्लू साहब ने आख्या, उन्हें आख्या एक गल का शुक्रिया अदा करो ना, सारी जिंदगी सजदे च पै के नहीं कर सकते। तो तुहानू मौला ने इमाम ऐसे दिते ने, कोई ये नहीं आख सकता भी कल खे सुन दई। अज इमाम जन्नत, वो जेडे लोग काम कर रहे हैं वो बंब बन के वह भी जन्नत वास्ते, तो कुछ लोग ऐसे ने जेडे इन्हां दे मुतजार चल रहे हैं वह भी जन्नत वास्ते। इन्हां दा कसूर कोई नहीं, वड्डियां दा कसूर है। हाँ जी, इस बूहे ते हराम ज़्यादा आ नहीं सकता, तो हर बंदे दे मुकद्दर च इन्हां दी वलायत मुद्दत मुहब्बत है ही नहीं। अगर हो गया तो फिर अल्लाह को दोज़ख बनाने की कैसी जरूरत सी। सुन सुन के अजानों को खुदा याद करेगा, शब्बीर के एहसानों को खुदा याद करेगा। करबला में मेरे हुसैन ने तौहीद को बचाया है कुछ इस अंदाज से, अल्लाह भी अगर अल्लाह है तो क्या याद करेगा। अल्लाह ते हुसैन दा एक जा मजा जे ओ भी बेन आजे भी बेन लुत्फ आ रहे ना। अगली सत्संग दो मनु जहान अंदर बंदा कोई नहीं जानदा, ओ भीकराजे भीकरा। बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह साढ़े बच्चों किसे भी नहीं वेख्या, ते मन दे इस वास्ते जो पाका ने फरमाया अल्लाह है, जिन्होंने इन्हें हस्तियां सजदा किया पता लगे जो अल्लाह है। अल्लाह बाबा जी जिसम नहीं रखता तो जुबान बोलता है, चुप कर गए वो कवालिया ने आख्या अल्लाह की सुरब बोलता जो पाक मुहम्मद बोले, इन्ह की जुबान च बोलता है। शेर तवजो फरमानी जिसम बगैर लब जिम खोल दे भी बेवजूद हो के निजे उत्ते बोल दे। मैं बिस्मिल्लाह करा जिस्मों बगैर अल्लाह लब जी में खोल दे ए भी बेवजूद होके निजे उत्ते बोल दे तक ले जहान अंदर कोई नहीं दिशान दा ओ भिला जवाले भिला जवा। इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत नहीं। बाबा जी चार चौक हैं शाम दे, कोई ईसाइयां दा मजूसियां दा, एक चौक बगैरत मुसलमाना दा। सारे बंदे जानते हो जेड़े गैर मजहब लोग हैं बाबा जी वो चादरा देंदे हैं ते मुसलमान लेंदे हैं। एक चौक ही हो जाए जिथे आके सादात दा काफिला रुके, राहत की बीवी छत ते बाबा जी बैठी, जिथों जैन ने मजलिस छड़ी ना मेरा दिल एक बैन सुनावा था। अपनी नौकरानी नु आखदी है अल्लाह जानदा है अज रात मैं ख्वाब विच मुहम्मद दी धी दे वार खुले क्यों वेख्या। मैं बिस्मिल्लाह करा जी थोड़ा जिहा ज़हन बनाओ इंशाल्लाह। हां जी, नौकरानी आखदी है क्यों परेशान है, आखदी अज जिहड़े वेले दिन चढ़िया ना मेरा दिल करता है जो मैं सर दे वाल खोलां सारे च मिट्टी पा के रोवां। नौकरानी आखदी इस वजह क्या, आखदी ओ जिहड़ा छोटा कैदी है ना। मैं बिस्मिल्लाह करा सानू दीन मिले मुफ्त
कुछ लगा कुछ नहीं। तो सौखा सुने ना छोटा कैदी, बाबा जी पाक इमाम दा फरमान है मैं कमर इस वास्ते सीधी नहीं कर सकता, जो कमर सीधी करा तो बाकर दियाँ तलियाँ जमीन ते नहीं लगनिया। बिस्मिल्लाह करना जी। और जो छोटा कैदी है ना उस दियाँ शक्लां मेरे मदीने वाले पीर मुहम्मद बाकर नाल मिल दियाँ। मैं बिस्मिल्लाह करा जी जेड़े पहुँच गए हो। इसी नौकरानी आखदी इस बाजार च पहले ही बंदे विकते रहते हैं, बंदे फरोश होते रहते हैं, तू गरीब नहीं तू अमीर है, इतों कुछ पैसे चा। कैदी मजबूर है इसमें पैसे दे दे कह छोटा कैदी मुल लै ले। हाय हाय कैदी मजबूर है। बाबा जी दिनारा दी थली थैली चाई जिमें जिमें माई करीब आंदी है सजा दिरत वधी आंदी आ कह दिया या सलाम अलैका या हयाला सीर ओ दुनिया दे जुलम दा निशाना मेरा सलाम होवे। सलाम करन दे बाद आख दिए मेरा दिल जो मैं तेरा इलाज करावां। आए हाय हकीम कोल घिनवें दियाँ तेरा इलाज करें दियाँ सैयदा दे मेरी मर्ज़ नाम नहीं जान दी तू अपना मकसद बयान कर। जेड़े वेले मकसद नाम आया हकल मार के आज ये पैसे चाहे छोटा कैदी मोल च दे हकल मार के तेरा ते मेरा मौला दे मैं कू कैदी समझ के माई ओ मेरे हले होए जखाम हला नहीं अगे काफ़ी दराद पचाई वदा मेरे दिल ते खंजार चला नहीं उच्चा वैन करके आदने मेरा चाली घर विचो यो एक बचिए ओ इंदी वल वल की मत पा नहीं ओ मत माई दी पई सुन दी ओ वे उंदे दिल ते खंजार चला नहीं। ये थे जाकर जनाब।